तुम दोनों बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक में। आज हम बात करेंगे 2022 की इंडिया की चार बड़ी फिल्मों के बारे में, जिसमें वरुण धवन की फिल्म जुग जुग जियो, अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, अधि विशेष की फिल्म मेजर और कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 शामिल है। और आपको बताएंगे इन चारों फिल्मों का आज का कलेक्शन और अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी आज बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन बना बॉक्स ऑफिस इंडिया का बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा सुपरस्टार। तो दोस्तों, यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकॉन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन मूवीज के डेली बॉक्स ऑफिस की अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 के बारे में। आपको बता दें, यह फिल्म हॉरर और कॉमेडी से भरपूर थी। वही फिल्म का बजट था 45 करोड़ रूपए, लेकिन काफी जबरदस्त हॉरर कॉमेडी फिल्म होने की वजह से यह फिल्म पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स का दिल जीतने में कामयाब रही। वो फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ रहा। वो फिल्म ने अपने पहले बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 14 करोड़ 11 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की, जिस वजह से यह फिल्म बॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्मों में शामिल हो गई। लेकिन इस फिल्म का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी काफी अच्छा रहा। वो फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ग्रोथ पाते हुए 18 करोड़ 34 लाख रुपए कमाए, जिस वजह से माना जा रहा था फिल्म का तीसरे दिन का संडे का कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि फिल्म ने अपने तीसरे दिन संडे को काफी बड़ा धमाका करते हुए 23 करोड़ 51 लाख रुपए कमाए। लेकिन कार्तिक आर्यन के हेटर से का मानना था यह फिल्म अपने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ देगी, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म ने अपने चौथे दिन मंडे का टेस्ट पास करते हुए डबल डिजिट से ज्यादा की कमाई की। वो फिल्म ने अपने चौथे दिन मंडे को 10 करोड़ 75 लाख रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया। वहीं अगर फिल्म के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म अपने पहले हफ्ते अपने बजट से लगभग 2 गुना ज्यादा कमाई करने में कामयाब रही। वो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 92 करोड़ 71 लाख रुपए कमाए। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 36 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक भूल भुलैया 2 फिल्म अपने 36वें दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी पकड़ बनाते हुए 51 लाख रुपए की आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का 36 दिनों का टोटल ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 185 करोड़ 29 लाख रुपए हो जाएगा। और यह फिल्म अपने बजट से लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन यह देखना काफी दिलचस्प होगा, यह फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की दूसरी फिल्म मेजर के बारे में। आपको बता दें, मेजर फिल्म में आपको अधि विशेष के साथ साई मांजरेकर लीड रोल में दिखाई दी थी। वही इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ रूपए, लेकिन इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी कम स्क्रीन मिली। लेकिन पॉजिटिव कहानी की बदौलत और अधि विशेष की जबरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत यह फिल्म पब्लिक का दिल जीतने में कामयाब रही। वो पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से मेजर फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ रहा। वो फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही 13 करोड़ 40 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। लेकिन इस फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। वो फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी पकड़ बनाते हुए 14 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए, जिस वजह से फिल्म का तीसरे दिन का संडे का कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ा। वो फिल्म ने अपने तीसरे दिन संडे को बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा धमाका करते हुए 15 करोड़ 70 लाख रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार किया। वहीं अगर फिल्म के चौथे दिन के मंडे के कलेक्शन की बात करें तो आमतौर पर सभी फिल्मों का चौथे दिन का मंडे का कलेक्शन गिरता है, और इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि फिल्म ने अपने चौथे दिन मंडे को बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास कमाई की। इसी के साथ अगर फिल्म के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो मेजर फिल्म अपने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा कमाई करने में कामयाब रही। वो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 61 करोड़ 17 लाख रुपए कमाए। लेकिन इस फिल्म को अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 23 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक मेजर फिल्म अपने 23वें दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ग्रोथ पाते हुए 22 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का 23 दिनों का टोटल ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 74 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा रहेगा। और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाएगी। लेकिन यह देखना काफी दिलचस्प होगा, यह फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर पाती है या नहीं। लेकिन यह फिल्म अधि विशेष की पहली पैन इंडिया सुपरहिट फिल्म साबित होगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं
इस एपिसोड की तीसरी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के बारे में आपको बता दें। पृथ्वीराज फिल्म में आपको अक्षय कुमार के साथ सोनू सूद, संजय दत्त और मनोज सिन्हा लीड रोल में दिखाई दी थी। वही इस फिल्म का बजट था 300 करोड़ रूपए, लेकिन इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 4,950 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। इसी के साथ इस फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया और खास करके अक्षय कुमार के फैंस ने तो इस फिल्म को 3.5 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से माना जा रहा था फिल्म को लेकर काफी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहेगा। लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक काफी कम रहा और फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 10,70,00,000 रुपए की ओपनिंग की। लेकिन फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ग्रोथ पाते हुए 12,60,00,000 रुपए कमाए। लेकिन फिल्म के तीसरे दिन संडे होने की वजह से इस फिल्म का कलेक्शन काफी ज्यादा बड़ा और संडे की छुट्टी होने की वजह से इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन काफी बड़ा धमाका करते हुए 16,10,00,000 रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार किया। वहीं अगर अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म अपने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ अपने 25% के बजट को रिकवर करने में कामयाब रही और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते 55,05,00,000 रुपए का कलेक्शन किया। लेकिन इस फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ 23 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट के मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज फिल्म अपने 23वें दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा ड्रॉप आते हुए सिर्फ 9,00,000 रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का 23 दिनों का टोटल ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 68,33,00,000 रुपए के आसपास रहेगा, जिस वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपए का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और यह फिल्म 2022 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में शामिल हो जाएगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की आखिरी फिल्म जुग जुग जियो के बारे में। आपको बता दें जुग जुग जियो फिल्म में आपको वरुण धवन के साथ KR आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर लीड रोल में दिखाई दी थी। वहीं फिल्म का बजट था 65 करोड़ रुपए, लेकिन यह फिल्म काफी जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म थी। वो फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने भी काफी ज्यादा पसंद किया, जिस वजह से पब्लिक और क्रिटिक्स ने जुग जुग जियो फिल्म को 4 स्टार रिव्यू दिया। वो फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही 9,28,00,000 रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। लेकिन अगर फिल्म के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के दूसरे दिन के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट में थोड़ी सी ग्रोथ देखी गई, जिस वजह से माना जा रहा है फिल्म का दूसरे दिन का आज का कलेक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा और हो सकता है जुग जुग जियो फिल्म अपने दूसरे दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी सी ग्रोथ पाते हुए 10,48,00,000 रुपए के आसपास कमाई करे, जिससे वरुण धवन, KR आडवाणी और अनिल कपूर की फिल्म जुग जुग जियो का 2 दिनों का टोटल ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 19,65,00,000 रुपए से ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों आज के कलेक्शन और अभी तक के टोटल कलेक्शन के मामले में तो कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहेगा ज्यादा, जिस वजह से कार्तिक आर्यन बनेंगे इंडिया के इस महीने के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस सुपरस्टार और भूलभुलैया 2 बनेगी 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। वहीं दूसरे नंबर पर रहेगी अधि विशेष की फिल्म मेजर और तीसरे नंबर पर रहेगी अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, लेकिन लास्ट नंबर पर पहुंच जाएगी वरुण धवन की फिल्म जुग जुग जियो। लेकिन अगर आपने इन चारों फिल्मों को देखा है तो आपको इन चारों फिल्मों में से कौन सी फिल्म की स्टोरी और कॉमेडी सबसे ज्यादा पसंद आई और आप इन चारों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे कि 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़ी फ्लॉप अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को, वरुण धवन की फिल्म जुग जुग जियो को, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 को या अधि विशेष की फिल्म मेजर को? आपकी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और मुझे सुनाए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जाते जाते आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन मूवीज के डेली बॉक्स ऑफिस की अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले ही।